वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। हमने पिछले वीडियो में बॉलीवुड के उन 10 एक्टर्स के बारे में जाना था जो कि 90s के दौर में काफ़ी फेमस होने के बाद भी आज फिल्मों से गायब हैं, और इस वीडियो में भी हम 10 ऐसे ही 90s के एक्टर्स को जानेंगे। तो इस वीडियो के बाद इसके फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जोहरा सहगल। जोहरा सहगल को हमने 90s की कई फिल्मों में दादी का रोल प्ले करते हुए देखा, जिसमें दिल से, हम दिल दे चुके सनम और दिल लगी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन्होंने अपना करियर 40s के दौर में स्टार्ट किया था, जिसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ ब्रिटिश की कई फिल्मों में काम किया और ब्रिटिश फिल्मों की भी एक जानी मानी एक्ट्रेस बनी। इन्होंने अपने 60 साल के लंबे एक्टिंग करियर में कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन 90s आते आते यह बॉलीवुड की फिल्मों में दादी का रोल प्ले करने लगी, जिसके बाद इन्होंने 90s के दौरान कई सारे फिल्मों में दादी का रोल प्ले किया, जिसमें कभी खुशी कभी गम, चलो इश्क लड़ाएं और वीर जारा जैसी पॉपुलर फिल्में शामिल हैं। गोविंदा की फिल्म चलो इश्क लड़ाएं में इन्होंने लीड रोल प्ले किया, जिसमें कि इन्हें गोविंदा के दादी के रोल में देखा गया, जिसमें इनका दादी वाला कैरेक्टर काफ़ी फेमस हुआ, जिसके लिए यह आज भी ऑडियंस के बीच में काफ़ी फेमस हैं। मगर फिर इतने सारे फिल्में करने के बाद उम्र होने के कारण इन्होंने साल 2007 के बाद फिल्मों से दूरी बना ली, और साल 2007 की फिल्म सवारिया इनकी आखिरी फिल्म रही जिसमें कि इन्होंने काम किया। हालांकि इसके कुछ ही साल बाद 2014 में हार्ट फेल होने के कारण इनका डेथ हो गया। नंबर 2, सत्येन कप्पू। सत्येन कप्पू वो एक्टर रहे जिन्हें कि हमने 90s की फिल्मों में कभी इंस्पेक्टर के रोल में, कभी नौकर के रोल में, तो कभी फादर के रोल में देखा। इन्होंने अपना एक्टिंग करियर 60s के दौर में स्टार्ट किया था और इन्होंने अपने लंबे एक्टिंग करियर में 390 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें कि शोले, दीवार, तिरंगा और कटिंग पतंग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। शोले और दीवार जैसी फिल्मों में इनके रोल्स आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, और इन्होंने अपने करियर में कई तरह के वैरायटी भरे रोल्स को प्ले किया, जिसमें फादर से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर और डॉक्टर के साथ साथ विलन के रोल्स भी शामिल हैं। सत्येन कप्पू 70s से लेकर साल 2007 तक फिल्मों में एक्टिव रहे और इन्होंने कभी भी फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया। हालांकि साल 2007 की फिल्म सावरिया इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद ये हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हालांकि ये अपनी फिल्मों के जरिए आज भी 90s की फिल्में देखने वालों के बीच जिंदा हैं। नंबर 3, राखी। राखी वो एक्ट्रेस है जिन्हें कि 90s की फिल्में बाजीगर, खलनायक और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में माँ के रोल्स को प्ले करने के लिए याद किया जाता है, और इन फिल्मों में इन्होंने माँ के रोल्स को प्ले करके ये 90s के दौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पसंद की जाने वाली ऑन स्क्रीन मदर्स में से एक बन गई। लेकिन इन सब के अलावा यह एक पॉपुलर लीड एक्ट्रेस भी रह चुकी थी, जिन्होंने 70s के दौर में फिल्म जीवन मृत्यु से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद इन्होंने ब्लैकमेल, कभी कभी और काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। कभी कभी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी पसंद की गई, लेकिन फिर 80s आते आते इन्होंने कई सारे स्ट्रॉन्ग फीमेल के कैरेक्टर्स वाले रोल्स को प्ले किया, और फिर 90s के दौर में इन्होंने मदर्स रोल प्ले करना शुरू कर दिया, जहाँ पर कि बाजीगर, रामलखन और करण अर्जुन इनकी कई पॉपुलर फिल्में साबित हुईं, जिनमें इनके रोल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता था। हालांकि फिर उम्र होने के कारण यह फिल्मों से दूर जाने लगी, और साल 2003 की बॉलीवुड फिल्म दिल का रिश्ता इनकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई। हालांकि इसके बाद इन्होंने कुछ बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन अब यह पूरी तरह से फिल्मों से दूर है और अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। नंबर 4, मोहन जोशी। मोहन जोशी 90s के एक फेमस एक्टर हैं जिन्हें कि 90s की फिल्मों में विलन के रोल्स प्ले करने के लिए आज भी जाना जाता है। इन्होंने उन समय गोपी किशन, इश्क और सलाखे जैसी कई फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में खुद का एक पहचान बनाया। हालांकि गंगाजल फिल्म में साधु यादव के कैरेक्टर को प्ले करने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। मोहन जोशी हिंदी सिनेमा के एक पॉपुलर एक्टर होने के साथ साथ ही मराठी सिनेमा के भी एक पॉपुलर एक्टर रहे हैं, और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों में ही काम किया था, जिसके कारण ये आज भी मराठी फिल्मों में काफ़ी फेमस हैं। हालांकि 90s के दौरान कई बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद भी धीरे धीरे इन्हें बॉलीवुड से कम ऑफर्स आने लगे, जिसके बाद यह पूरी तरह से फिल्मों से दूर हो गए और आज ये अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के प्रेसिडेंट हैं। नंबर 5, रजा मुराद। रजा मुराद को हमने 80s और 90s की कई फिल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए देखा है, और उस समय इनका नाम बड़े बड़े विलन्स के बीच में गिना जाता था, और आज भी इन्हें प्रेम रोग, रामलखन, आंखें और मुहरा जैसी फिल्मों में विलन के रोल्स प्ले करने के लिए जाना जाता है, जिसमें से रामलखन में प्ले किया गया इनका कैरेक्टर सर जोन आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इनके करियर के यादगार रोल्स में से एक है। इन्हें रिसेंटली ही बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में देखा गया है।
जिसमें कि इन्होंने सपोर्टिंग रोल्स प्ले किया था। इन्होंने अपने करियर में 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन ये आज मेनस्ट्रीम सिनेमा में काफ़ी कम ही नज़र आते हैं। हालांकि इन्हें लास्ट टाइम पद्मावत में एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हुए देखा गया और यह बॉलीवुड से गायब होने के कगार पर हैं। नंबर 6, फरीदा जलाल। फरीदा जलाल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो कि 90s के दौर में माँ के रोल्स को करने के लिए काफ़ी फेमस थी। अपने मासूम चेहरे के कारण यह 90s के दौर में ऑडियंस की फेवरेट ऑन स्क्रीन मदर बन चुकी थी। DDLJ, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है और लाडला जैसी फिल्मों में माँ के रोल्स को प्ले करने के लिए यह आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। हालांकि अब यह फिल्मों में काफ़ी रेयरली ही नज़र आती हैं, लेकिन आज भी 90s फिल्मों को देखने वाले ऑडियंस के बीच में यह काफ़ी पॉपुलर हैं। फिल्मों में एक सक्सेसफुल करियर बनाने के बाद इन्होंने कई सारे TV सीरियल्स में भी काम किया और यह वहाँ भी काफ़ी सक्सेसफुल रहीं। हालांकि अगर इनकी लास्ट फिल्म की बात करें तो यह साल 2020 की फिल्म जवानी जानेवन में सैफ अली खान की मदर के रोल में नज़र आईं और यह आज भी एक्टिंग से जुड़ी हुई हैं। नंबर 7, मोहनीश बहल। मोहनीश बहल वो सपोर्टिंग एक्टर हैं जो कि 90s की फिल्मों में ज़्यादातर बड़े भाई या फिर विलन के रोल्स करते हुए नज़र आए और इन्होंने अपने करियर में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें कि मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और बोल राधा बोल जैसी कई फिल्में शामिल हैं। वैसे तो इन्होंने अपने शुरुआती दौर में कई सारी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल प्ले किया, लेकिन हम आपके हैं कौन इनकी वो माइलस्टोन फिल्म साबित हुई जिसने कि इनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसके बाद इन्हें बड़ी बड़ी बजट वाली फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के रोल्स मिलने लगे, जिसके बाद ये 90s के एक फेमस सपोर्टिंग एक्टर बन गए। हालांकि इससे पहले इन्होंने पुराना मंदिर नाम के एक हॉरर फिल्म में लीड एक्टर का रोल प्ले किया था, मगर इसे एक वीग्रेड फिल्म कंसिडर किया जाता है। हालांकि 90s के बाद मोहनीश बहल का करियर धीरे धीरे डगमगाने लगा, जिसके बाद यह धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगे और फिर एक ऐसा वक्त आया जब यह फिल्मों से पूरी तरह से गायब हो गए। लेकिन इस बीच यह इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आए, जिसमें साल 2013 की फिल्म जय हो और साल 2019 की फिल्म पानीपत शामिल है। नंबर 8, असरानी। असरानी बॉलीवुड के सबसे फेमस कॉमिक एक्टर्स में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर 60s के दौर में शुरू किया था और इन्होंने अपने करियर में 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में लीड रोल्स, कैरेक्टर रोल्स, कॉमेडी रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स को प्ले किया है, जिसमें शोले, दूल्हे राजा, हेरा फेरी और चुप चुप के जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इन्होंने शोले, तकदीर वाला, दीवाने हुए पागल और माला माल वीकली जैसी फिल्मों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और शोले फिल्म में इनका अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर वाला रोल काफ़ी फेमस हुआ, जिसके लिए आज भी ये जाने जाते हैं। असरानी साल 2009 तक बॉलीवुड फिल्मों के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे, लेकिन फिर साल 2009 के बाद फिल्मों में इनका स्क्रीन स्पेस कम होने लगा, जिसके कारण या फिर टीवी सीरीज और वेब सीरीज में भी काम करने लगे। हालांकि यह अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं और इन्हें लास्ट टाइम 2021 की फिल्म बंटी और बबली 2 में देखा गया। नंबर 9, सईद जाफरी। सईद जाफरी बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जो कि हमें ज़्यादातर 90s के फिल्मों में रईस बाप के कैरेक्टर्स को प्ले करते ही नज़र आते थे और ऐसे कैरेक्टर्स इन पे काफ़ी ज़्यादा सूट करते थे, जिसके कारण इन्होंने राजा की आएगी बारात, राम तेरी गंगा मैली, दिल, हेना और दिलवाले जैसी फिल्मों में अमीर आदमी का कैरेक्टर ही प्ले किया। सईद जाफरी बॉलीवुड के साथ साथ ब्रिटिश फिल्म्स के भी एक जाने माने एक्टर रहे हैं, जिन्हें कि 80s और 90s के दौरान ब्रिटिश फिल्म्स माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्री और TV सीरीज द ज्वेल इन द क्राउन के लिए ब्रिटेन का हाईएस्ट प्रोफाइल एशियन एक्टर माना जाता था। हालांकि इन्हें इंडियन ऑडियंस के बीच में फिल्म चश्मे व दूर में एक सपोर्टिंग रोल प्ले करने के बाद से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन फिर साल 2009 की फिल्म सनम तेरी कसम इनकी लास्ट हिंदी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद अपने बढ़ते एज के कारण इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया और फिर साल 2015 में लंदन के एक हॉस्पिटल में इनका डेथ हो गया। नंबर 10, अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी वो एक्ट्रेस है जिन्होंने 90s के दौर में बेटा, दूध का कर्ज, हसीना मान जाएगी और राजा बाबू जैसी फिल्मों में माँ का रोल प्ले करके उस टाइम की फेवरेट ऑन स्क्रीन मदर्स में से एक बन गई और बेटा फिल्म में माँ का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। 90s के दौर में इन्होंने फूल और कांटे, राजा बाबू, लाडला और सुहाग जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपना एक पहचान बनाया, लेकिन फिर हसीना मान जाएगी और हम तुम्हारे हैं सनम के बाद इन्होंने बॉलीवुड से एक ब्रेक ले लिया, जिसके बाद फिर ये 8 साल बाद आखिरी बार अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा में नज़र आई, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ दिया। हालांकि बॉलीवुड को छोड़ने के बाद इन्हें गुजराती और मराठी फिल्मों में देखा गया, जहां ये अभी भी एक्टिव हैं। तो ये था वो वीडियो जहां हमने उन एक्टर्स को डिस्कस किया जो कि 90s में फेमस होने के बाद भी आज बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
और वेट करिए इस वीडियो के थर्ड पार्ट का जो कि जल्द ही आने वाला है।